जी गुरु जी, विरले का क्या अर्थ होता है? विरले का अर्थ देखो ऐसा है, आप भी एक विरले हो, आप भी एक विरले हो। आप अपने घर से आगरा से यहां तक आए, आपको हजारों लोग मिले मिले, उसमें से ये देखो कि ब्रह्मचर्य करने वाले कितने लोग थे। मुश्किल से होगा तो एक या दो, एक या दो, हजार में से एक या दो। तो आप ये संकल्प लेकर आए होंगे ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो आप विरले हो। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य करने के बारे में सोच भी रहा है तो वो भी विरला व्यक्ति है, क्योंकि आप अपने मोहल्ले पड़ोस में देखो, गलियों में देखो, मुश्किल से मुश्किल एक बच्चा मुश्किल से मिलेगा जिसकी विचारधारा ब्रह्मचर्य से होगी, राष्ट्र से होगी। राष्ट्र को, राष्ट्र प्रेम करने वाले बहुत कम है। सिर्फ किसको प्रेम करने वाले हैं? लड़की प्रेम करने वाले हैं। आज की भरी पड़ी है, आप एक गली में से निकल जाओ, अगर उसमें 100 बच्चे आते हैं तो 100 में से 90 बच्चे आज की में पागल है। 5 बच्चे अपना काम कर रहे हैं, 5-4 बच्चे अपनी थोड़ी पढ़ाई आदि में लगे हुए, नौकरी पानी चक्कर में लगे हुए। एक व्यक्ति आपको राष्ट्र प्रेम वाला मिल जाएगा, ब्रह्मचर्य वाला मिल जाएगा, नहीं तो बहुत मिलना मुश्किल है, बहुत मिलना मुश्किल है। आप देखो, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना आपने शुरू कर दिया है तो आप मेरे भाई ये समझो हजारों लाखों में एक हो, और आप सोच रहे हो ब्रह्मचर्य का पालन करना तो आप करोड़ों में एक हो, और आप दृढ़ता से पालन कर रहे हो तो आप कितने में एक हो? 150 में एक हो। अगर आप दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो 150 में एक हो, उसको बोलते हैं विरले लोग। विरले लोग इस समय बहुत कम है, पहले बहुत हुआ करते थे, सतयुग में, त्रेता युग में, उस युग में बहुत हुआ करते थे, क्योंकि धर्मशास्त्र को मानने वाले लोग ज्यादा थे। अभी धर्मशास्त्र को मानने वाले लोग कम है। अच्छा, मानते हैं तो नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन तो कठिन है बस। तो जीवन में हमेशा ब्रह्मचर्य को धारण करो।